वेलकम स्टूडेंट्स आज हम जो हैं हमारी जो पोइम है ए फोटोग्राफ उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो देखिए यहाँ से वन टू थ्री सेवन क्वेश्चन है तो उनको हम वन बाई वन अभी आपसे डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोइम पोइम के अंदर जो कार्डबोर्ड है कि इस चीज़ को दर्शाता है बाय हैज़ दिस वर्ड बीन यूज़ इस शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं द वर्ड सिंगल इन्वर्टर को लगाना है कार्डबोर्ड हैज़ बीन जूस्ड फॉर द मदर्स फोटोग्राफ जे मदर के फोटोग्राफ के लिए प्रयोग किया गया है नो द फोटोग्राफ इज़ जस्ट ए कार्डबोर्ड वो एक कार्डबोर्ड है बिकॉज द मदर इज ऑलरेडी डेड मदर की पहले से ही मृत्यु हो चुकी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द फोटोग्राफ ऑफ थ्री लिटिल गर्ल्स कैमरे के अंदर तीन छोटी लड़कियों की फोटो है कौन कौन सी वन ऑफ दैम इज द पोएट्स मदर एक पोइट की मदर है द अदर टू आर द मदर्स गर्ल कजन्स दूसरी जो हैं माँ की जो है गर्ल कजन्स हैं माँ की चचेर, चचेरी बहनें हैं ऑल द थ्री गर्ल्स वर स्माइलिंग स्माइल कर रही हैं एट दियर अंकल उस अंकल के ऊपर हु वॉज़ टेकिंग दियर फोटोग्राफ़ जो उनकी फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं ऑल द थ्री गर्ल्स आर वर् स्टैंडिंग एट द सी बीच जो खड़ी थी इन शेलो सी वाटर कम पानी के अंदर ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर नेक्स्ट देखिए What हैज़ नोट changed ओवर द ईयर्स इतने वर्षों के बाद क्या चीज़ नहीं बदली है डस दिस सुजेस्ट समथिंग टू you? इससे क्या आपको किसी बात का जो है पता लगता है क्या तो देखिए क्या नहीं बदला है द सी हैज़ नोट चेंजड ओवर द ईयर्स समुद्र नहीं बदला है वट ए ग्रेट चेंज हैज़ कम इन दोस एक बड़ा बदलाव उन लोगों में आ गया है वंस पेडल्ड ऑन इट्स बीच जो इसके बीच के ऊपर नंगे पाँव चले थे इट सजेस्ट दैट इससे पता चलता है, that man is mortal, जो आदमी है नश्वर है नाश हो जाता है एंड ट्रांजियट और क्षणिक है थोड़ी देर के लिए है टेम्परेरी है वाइल्ड सी इज इमोटल जो सी है ये हमेशा अमर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द पोइट्स मदर लाफ्ट लाफ्ट एट द स्नैप शॉट पोइट की जो माँ है वो उस फोटो के ऊपर हंसती है वट डिड दिस लाफ इंडिकेट ये लाफ क्या दर्शाती है इट शोज दैट मदर हैड ए हैप्पी चाइल्डहुड इससे यह पता चलता है कि मदर का जो बचपन है बड़ा खुशनुमा था ही फील्स अम्यूज आनंदित होती है टू सी हर चाइल्ड हुड फोटोग्राफ अपने बचपन की फोटो देखकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राई द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस इस लाइन का क्या मतलब है देखिए थ्रू दिस लाइन ए सिमिलैरिटी हैज़ बीन ड्रॉन बिटवीन द फेस ऑफ पोएटस एंड हर मदर इस लाइन के दो आ, के द्वारा एक सिमिलरिटी बताई गई है कौन सी सिमिलिरिटी किस अंदर? Face of the poetess, poetess के अंदर फेस ऑफ द पोएटस पोइटस के फेस के अंदर और उसकी माँ के अंदर सिमिलरिटी कौन सी फेस है देखते हैं कौन सी सिमिलैरिटी है देअर फेसिस आर राइ दोनों के जो चेहरे हैं वो सिकुड़ चुके हैं क्यों हर मदरस फेस हैड टर्नड राई दो बार लिख लिया है उसकी माँ का जो चेहरा है ये सिकुड़ गया है बिकॉज शी हैड लोस्ट हर चाइल्डहुड क्योंकि उसने अपना बचपन खो दिया है वाइल्ड द पोएट पोइटस फेस Has ride, जो है उसका फेस भी सिकुड़ गया है क्यों बिकॉज शी हैड लोस्ट द कंपनी ऑफ हर मदर उसने अपनी माँ की कंपनी खो दी है मतलब नो मदर इज नो मोर अब मदर जीवित नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वट डस दिस सर्कुम स्टांस रेफर टू इस सरकुम का मतलब क्या है तो देखिए इसका आंसर है द पोएटस फील्स टेरिबली सैड बहुत दुखी हो जाती है एंड लोनली अकेला अकेलापन महसूस करती है विदाउट हर मदर अपनी माँ के बिना क्यों दिस सरकोम स्टांस रेफर्स टू द प्रजेंट मेंटल स्टेट ऑफ द पोएटस जो पोएटस की वर्तमान जो दशा है प्रजेंट मेंटल स्टेट है उसको दर्शाती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द थ्री स्टेंजाज डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेसिस जो तीन स्टेंजा है ये तीन अलग अलग फेसिस को दर्शाते हैं वॉट आर दे वो क्या हैं फर्स्ट फेज कौन सा था वैन द पोइटस मदर वाज जस्ट ए गर्ल ऑफ ट्वेल्व जब उसकी माँ बारह वर्ष की थी एंड पोएटस वाज नोट बोर्न उसका जन्म नहीं हुआ था सेकंड फेस कौन सा इसमें दिखाया गया है इट रेफर्स टू द टाइम वो टाइम वैन द पोएटस लिव्ड विद हर मदर जब अपनी माँ के साथ रहती थी द मदर वज देन इन हर थर्टीज और फोर्टीज माँ जो थी तब तीस या चालीस वर्ष की होगी थर्ड फेस कौन सा था इट शोज हाउ सैड एंड लोनली द पोइटस फील्स विदाउट हर मदर जो पोएटस है बिना अपनी माँ के कितना सैड और अकेलापन महसूस करती है द पोटस हैज़ बीन डेड वो मर चुकी है फार अबाउट ट्वेल्व ईयर्स एगो बारह वर्ष पहले तो थैंक्स ए लोट हैव ए नाइस डे